नमस्कार, जय माता दी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लब्बित एस्ट्रोलॉजी में। आज लब्बित एस्ट्रोलॉजी में मैं फिर से हाजिर हूं। आज लब्बित एस्ट्रोलॉजी में मैं बात कर रहा हूं नवरात्रि के तीसरे दिन की, यानी तृतीया की। तृतीया चंद्र घंटा नाम की देवी को प्रणाम करने का दिन है। ये उस स्त्री को रिप्रेजेंट करती है जो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने में क्षमतावान हो और जिसके अंदर सौहार्दता, प्रेम, वात्सल्य और सामाजिकता परंपरागत कंप्लीट पाई जाती हो, उस स्त्री की रिप्रेजेंटेटिव है ये। आज के दिन भगवती को प्रणाम करने का, आराधन करने का, पूजन करने का बड़ा विधान है। आपको पता है कि इस बार हम जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिस महामारी से पूरा का पूरा विश्व पीड़ित है, उस महामारी के प्रिकॉशन के तहत हम हिंदुस्तान में जिस कंडीशंस में हैं, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम घर के बाहर जाकर के कोई उपाय सॉल्यूशंस नहीं कर सकते। इस बार की परंपरा भले ही हमारे किसी भी मजबूरी की वजह से हमें करना पड़ रहा है, लेकिन सच मानना कि वास्तविक तरीका तो यही है साधना का। साधना में एकांत चाहिए, साधना में तल्लीनता चाहिए, साधना में समय चाहिए और साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका अपना पूरा का पूरा मन लगना चाहिए। यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, आपका दिमाग यहाँ वहां नहीं हो और अभी आप उस कंडीशन में है तो सही तरीके से देखें तो ये समय आपका पूरा अनुकूल है। इसमें आप भगवती की आराधना का बढ़िया समय निकाल सकते हैं। तीसरा दिन यशगान करने का है। तीसरा दिन उस व्यवस्था को मजबूत करने का है जहां पर आपका यश नहीं होता, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपका काम नहीं होता, हर जगह आपको निराशा होती है, आपके कर्म का समुचित फल आपको नहीं मिलता, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दें, कितनी भी बेहतर चीजें कर दें पर आपको कोई मानने वाला नहीं है, आप भरसक कोशिश करने के बाद भी हर किसी के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, सुबह से शाम तक पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई इंसान आपको समझने को तैयार नहीं है, आपने अपने आप को मशीन बना लिया, चेंज करते 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 इतना चेंज कर लिया कि कुछ नहीं बचा, उसके बावजूद कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई आप बहुत करते हो हमारे लिए। इस पीड़ा को, इस दर्द को आज हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लब्बित एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के तीसरे दिन में। आपको मैं बताऊं कि जो भी आपकी नवरात्रि की आराधना की पद्धति है उसे बहुत सामान्यता करिएगा। इस बार मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, आपके घर में अपनी माता बैठी है, इस बार मां का आराधन अपने घर की सामग्रियों से करने की कोशिश करना। आज के दिन का लंबा विधान है। आज जिस व्यक्ति से आप यश चाहते हो, जिस व्यक्ति से आप चाहते हो फेम मिले आपको, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में अपने लिए फेम बढ़ाना चाहते हो आप, आपको जहां से थोड़ा कनेक्शन ज्यादा चाहिए हो, जिस जगह से आपको कनेक्शन ज्यादा मिलने की आवश्यकता हो, वहां से हम बात करेंगे आज। आपको लगता हो कि कम से कम फला व्यक्ति तो मुझे यह समझे कि मैं क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं उसके लिए, तो आज उस पूरी की पूरी विधि, पूरी पूरी परंपरा का आज हम निर्वहन करेंगे और आपको पूरा साझा करेंगे। आज हम उस उपाय, वो सॉल्यूशन, वो नियम, वो पद्धति, वो विधि, वो परंपरा आपके सामने साझा कर रहे हैं जो देवी पुराण में अंकित है। देवी पुराण की ये महा पद्धति आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं और आज आपको बता रहा हूं कि आपको का यशगान कैसे हो सकता है, आपको क्रेडिट कैसे मिल सकता है और आपको कैसे मिल सकता है फेम, आप अपने डिफेम से कैसे बच सकते हो, कैसे नाम बना सकते हो, कैसे नाम उज्जवल कर सकते हो और कोई व्यक्ति आपको कंप्लीटली मांगने और समझने लग जाए, आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड ना करे, मिसकंसेप्शंस निकल जाए उसके दिमाग से, ऐसा क्या करें, आज उसके लिए दिन है।
विधि, ये परंपरा, ये नियम, ये सिस्टम, ये व्यवस्था, आज जान लीजिए कि आपके अपने जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं होती क्यों हैं। आप सच मानना कि ये दिन तुम्हारा है, होता तो है। ऐसा क्या नहीं किया जो किया जा सकता था, या जो नहीं किया जा सकता था वो भी उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों हमारी लाइफ जंपिंग रोड पे है भाई? क्यों हमें हर बार ये सब सुनने को मिलता है? क्यों मेरा आपस मेरा पीछा नहीं छोड़ता, हर किसी के लिए इतना कुछ किया, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मिलने वाला हो, चाहे जितने भी लोग हो, सबको बहुत फ्रीडम दिया, वो सब कुछ दिया हमने तो सामान्यता बोला तक नहीं जा सकता। तन मन धन से सपोर्ट किया, फिर भी लोगों ने बदनामी दी, नाम खराब किया, पीठ पीछे बातें बनाई, होता क्यों है ये हमारे साथ? क्यों बार बार अपयश हमारा साथ नहीं छोड़ता? सुबह से शाम तक लगे रहने के बावजूद कोई पूछने वाला नहीं कि भाई तुम कैसे हो। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो सबसे ज्यादा नकारे निकले, जिनसे सबसे ज्यादा चाहत थी वो सबसे ज्यादा बेकार निकले। इतना घुट घुट के जीने का क्या फायदा? आज सोल्यूशन जान लीजिए इसका, आज जान लीजिए इसका उपचार, आज जान लीजिए इसकी विधि, आज जान लीजिए इसकी परंपरा, आज जान लो और समझ लो कि कैसे ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। सत्य कहूं, ये पीड़ा है, ये दर्द है। ये पूरी की पूरी समीक्षा हम आपके सामने इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि ये आपके अपने अंदर की बात है। ज्योतिष लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ज्योतिष केवल उतनी बात नहीं है कि बस राहु केतु देखा और बात खत्म हो गई। ये एक प्रयोग है जो वर्षों से, जन्मों से किया जा रहा है, और एक ऐसा संयोग जिससे पूरी लाइफ ठीक की जा सकती है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके घर में घंटी है तो आज आपका दिन बन सकता है। जिस व्यक्ति से आप ज्यादा चाहते हो कि उससे आपको इस चीज का लाभ मिले, बहुत सामान्य काम है कि उसकी एक तस्वीर या एक कागज में उसका नाम लिख करके घंटी में लपेटिए और कलावे से बांध दीजिए। और उस कलावे के ऊपर 7 बिंदी शहद की और उसके ऊपर हल्दी की और उसके ऊपर रोली, यानी 3 चीजों की परत चढ़ा दीजिए। पहला शहद, फिर हल्दी, फिर रोली। ये 3 चीजों की 7-7 बिंदियां लगानी है आपको उस पर, और इस घंटी को माता के ठीक दाहिने तरफ रख देना है और बोलना है ओम चंद्र घंटाए नमः। क्या बोलना है? आज चंद्र घंटा का दिन है ना, तो बोलना है ओम चंद्र घंटाए नमः, ऐसा कहकर उस घंटी को रख दीजिएगा। और जितनी बार आरती पूजा हो उसको खूब बजाइएगा, जितना बजाइएगा, जितना उसकी आवाज बढ़ेगी उतना तुम्हारा यश बढ़ेगा, उतना तुम्हारा सामने वाले के दिल में स्पेस बढ़ेगा और तुम्हें ज्यादा लोग मानने समझने लग जाएंगे। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है। माता आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और वैभव लाए, आप खूब यशवान हो जाएं, खूब कीर्ति बढ़े, आपको बहुत आशीर्वाद देता हूं। पर बात ध्यान रखना, सेफ रहने की कोशिश करना, एक दूसरे की मदद करना। सरकारें अपना काम कर रही हैं, तुम अपना काम करना। घर में रहेंगे ना, सारी मस्ती घर में करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा जल्दी से इस आपदा से हम सबको मुक्त करे। जय माता दी।